तुम्हारे से नहीं मारूंगा उसे। चुड़ैल चिमड़ गई है मुझे। तुम्हारी जान बचाने के लिए जो बन पड़ा वो करूंगा मैं। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। मेरी माटी सारा घर छाड़ मारा, बाप और बेटी कहीं नहीं है। कितना गए? सामान तो सारा थहीं पे। लगता है वो दोनों बहुत जल्दी में यहाँ से निकले हैं। हमें मीरुल साईं को ये बात बतानी चाहिए। जुलो सी, क्या हुआ? बाहर क्यों आ गई? खैर तो है ना सब? मुझे लगा सहन में कोई है। बड़े साहब के कहने पर अपना घर छोड़कर पुलिस लाइन के इस क्वार्टर में आ तो गए हैं, अब आगे अल्लाह सोना खैर करे। जाओ बेटा जाओ, जाओ तुम आराम करो, मैं हूं ना बाहर, जाओ। जी अल्लाह। कहाँ चले गए वो दोनों? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हमने हर तरफ की पूरी तलाशी ली सही, और वो बाप बेटी कहीं नहीं मिले। कब तक भागेंगे और कहाँ तक भागेंगे? मीरल उन दोनों का कब्र तक पीछा करेगा। चौक में अपने सारे बंदे फैला दो, वो इलाका छोड़कर जाने ना पाए। जो हुक्म साईं। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मंजो हो? मैंने आपकी शर्त मान ली थी, तो क्यों अपने वादे का भरम नहीं रखा? मुझे नहीं पता था कि मीरल ने शौकत को सजा देने का फैसला कर लिया, वरना शायद मैं उसे रोक ही लेता। बहरहाल जो होना था हो गया, अब तुम टसवे बहाना बंद करो अपने आशिक की याद में। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे ये पसंद नहीं है। तुम अब पीरल की मनकुआ, इज्जत हो इस हवेली की। इज्जत जिंदा लोगों की होती है पीरल साईं, लाशें कभी किसी की इज्जत या जिल्लत का बाइस नहीं होती। मैं तो बस एक जिंदा लाश हूं जिसे इस हवेली के जागीरदार ने कैद कर रखा है। तुम औरतों को यह बात क्यों नहीं समझ में आती? जिस औरत की जबान चलती है उसका घर नहीं चलता, और लंबी जबान वाली औरत की जिंदगी बहुत छोटी होती है इस हवेली में। तो इंतजार किस बात का है? मेरी सांसें भी बंद कर दे। शायद कर देता, लेकिन उस आने वाले खून ने रोक दिया मुझे। पर एक बात और याद रखना,
आज के बाद इस हवेली की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हारा बाहर की दुनिया से रابطہ खत्म। तुम्हें बहुत शौक है ना कैदी बन के रहने का, तो पड़ी रहो इस कमरे में कैदी बन के। आज के बाद तुम्हारे दरवाजे पर भी पैरा बिठा रहा हूं मैं। इस थाने का चार्ज करीबी इलाके के SHO को दे दिया गया है। अनकरीब तुम लोगों को फर्द जुर्म के साथ अदालत में पेश करेंगे। उम्मीद है वहां से तुम लोगों को जमानत मिल जाएगी। थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वालिद को प्लीज तसल्ली करवा दीजिएगा खुद बात करके। ये सब जानने के बाद मेरी फैमिली बहुत परेशान होगी सर। फिक्र नहीं करो, वो खुद एक रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, सिचुएशन को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। एक और बात सर, हमारा आखिरी क्लू सिर्फ वो पानी भरने वाला माशकी है सर, जिसे उसके सरबराह ने यहीं कहीं आसपास छुपा रखा है सर। मुख्तारे की मौत से 4 दिन पहले मिलिट्री पुलिस ने बॉर्डर पे रेड की थी सर, बहुत सख्ती है, पार नहीं कर पाया होगा, आसपास ही गई। फिक्र नहीं करो तुम, इस मामले की निगरानी मैं खुद करूंगा। कालू माश की पुलिस के घेरे से बच नहीं सकेगा। तुम लोगों की पेशी के बाद मैं शहर जा रहा हूं IG साहब को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए, लेकिन अपनी खास फोर्स मैं कालू माश की के पीछे लगा कर जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। ख्याल रखो। आप परेशान होते तो पूरा घर परेशान हो जाता। पता चला? अब कह देंगे सब खबरें झूठी हैं, मेरा अरसलान बिल्कुल ठीक है। बैठो। बताएं ना क्या हुआ है? ठीक है अरसलान, बहुत मजबूत है मेरा बेटा, अब देखना इस जंग से सुरखरू होकर लौटेगा। मगर क्यों, उन लोगों ने उसे बंद क्यों रखा है? क्या कसूर है मेरे बेटे का? उन्हें क्या साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके खिलाफ एक घिनौनी साजिश है और कुछ नहीं? सब्र से काम लो अरसलान की माँ, तुम्हारा बेटा एक पुलिस वाला है, सिपाही है इस मुल्क का, और पुलिस वालों की माएं जो हैं उनके दिल बहुत मजबूत होते हैं, पत्थर की तरह। तुम्हें भी अपना दिल पत्थर का बनाना हो, और 6 पुलिस वाले होते हैं, उनकी जिंदगी में इस किस्म के तूफान आते रहते हैं, और इस किस्म के तूफानों से उसे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। हमारा अरसलान भी इन मुल्क दुश्मन अनासिर से जंग में इंशाल्लाह कामयाब होगा। बस तुम उसके हक में दुआ करते रहो। तो
लाई बेकदरा नाले यारी ते टूट गई तड़क करके ओ बल्ले बल्ले साहब जी मुलाकात है कौन है ओ जी भरजाई आई है बुला इनको नेक बख्त रोती क्यों है और जिंदा हूं अभी ये क्या हो गया गुड्डू के अब्बा इसीलिए मैं कहती थी कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ दे दिया ना धोखा इन जागीरदारों ने और फिकर क्यों करती है तेरा घर वाला जानदाद है ताणेदार जानदाद सबको चक्कर दे के बाहर आ जाना है मैंने फिकर ना कर तू परेशान ना हो सुन गुड्डू किधर है गुड्डू को नहीं लाई कल्ली आई है वो तो सुबह से गली के बच्चों के साथ आते जाते झगड़ पड़ता है बच्चे जब ताना देते हैं कि तेरे बाप ने रिश्वत लेगी इसी इल्जाम में अपने ही थाने में बंद है तो गुड्डू उनसे लड़ पड़ता है किसकी हिम्मत है जो मेरे शहजादे को कुछ बोले और बाहर आने दे मुझे देख लूंगा एक एक को जानते नहीं है मुझे चल चंगा ही किया जो उसे नहीं लाई तू बच्चों के जहन पे ठीक असर नहीं पड़ता आखिर कब तक आज नहीं तो कल उस पर ये बात खुली जाएगी हम किस किस की जुबान को रोकेंगे और जिसकी जुबान भी मेरे गुड्डू का नाम भी लेगी ना हलक में हाथ डाल के थानेदार जुबान बाहर निकाल लेगा उसकी जहादाद हूं मैं थानेदार जहादाद ताने देंगे मेरे पुत्र को जी साईं आप बेफिक्र रहें मैं खुद ये सारा केस देख रहा हूं वैसे आईजी पुलिस ने उस एएसपी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो बिठाई है लेकिन सारा पुलिस का महकमा उसकी नेकनामी और प्रोफेशनलिज्म के गुण गाता है मैं तो हैरान हूं कि उससे इतनी बड़ी कोताही हो कैसे गई खैर जो सच है वो सामने आ ही जाएगा बहरहाल आप मुतमैन रहें जी जी अल्लाह हाफिज पीरल साईं की कॉल थी हाँ वो वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं हमारे पार्टी वर्कर और वोटर्स उस ऑफिसर को हर हाल में सजा दिलवाना चाहते हैं जानता हूँ मैं अखबारात में इस केस के मुतालिक तफसील पढ़ी है मैंने और वो ऑफिसर अरसलान उससे भी मुलाकात हुई है मेरी अजीब बात तो ये कि ज़ाती तौर पे शायद मुझे भी वो बंदा पसंद ना हो लेकिन जहाँ तक बात है ना प्रोफेशनलिज्म की ईमानदारी मैंने अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कड़क ऑफिसर नहीं देखा हमें फोर्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए तुम कहना क्या चाहते हो मैं बस ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा ये पीरल साईं का सारा प्रेशर साइड पे रख के एक फ्री एंड फेयर फाइनल इंक्वायरी बिठाई जाए जिसे वो लोग हेड करें जो क्रेडिबल हो ईमानदार हो ताकि कल को कोई उन पे या हम पे उंगली उठा के ये ना कह सके कि अपने सपोर्टर्स को अपने वोट बैंक को बचाने के लिए हम ये वडेरे और जागीरदारों की सपोर्ट हासिल कर लें ये चाहता हूँ पीरल साईं की जड़ें पार्टी में बहुत अंदर तक और गहरी हैं और अगले इलेक्शन में तुम्हारी फतह का दारोमदार उसी इलाके के वोटर्स पर है सोच लो सोच लिया और बहुत सोच विचार के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वक्त बदल चुका है डैड एंड इट्स हाई टाइम कि अब हम भी ये ब्लैकमेलिंग की सियासत से बाहर निकले चलो मान लिया कल को मैं बन गया मिनिस्टर अब अपने ही लोगों को सर्व करने के लिए मुझे इन जैसे लोगों की हाँ या ना का मोहताज रहना पड़ेगा ये मैं नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अंधाधुंध उस ऑफिसर को सपोर्ट करना शुरू कर दे नहीं लेकिन अगर किसी ने जिगरा दिखाई दिया तो हम उसे एक फेयर चांस तो दे सकते हैं ना मैं नहीं चाहता हम पुलिस के अगेंस्ट जाएं In other words,
let the law do its due course. That's it. आखिर मारी डाला तुझे उन जालिमों ने मुख्तारे। मैंने तुझे कहा भी था कि ये बड़े लोग किसी से वफा नहीं निभाते। क्या क्या नहीं किया तूने इन जागीरदारों की खातिर, कितना खून बहाया, कितनी बार अपनी जान को खतरे में डालकर तुमने इन जालिमों की जान बचाई, मगर सब बेकार गया। मगर तू फिक्र ना कर, तेरा यार तेरा भाई सलामा अभी जिंदा है। मैं तेरा खून इतना सस्ता नहीं जाने दूंगा। वक्त आएगा और मैं तेरा बदला जरूर लूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं अपने भाई का हक जरूर अदा करूंगा। रब रख। पुलिस लाइन क्वार्टर, तो वहां बुड्ढा अपनी बेटी को ले जाकर छुपाए। जी साईं जी, खबर पक्की है। जरूर ये उस एएसपी आशिक का काम होगा, बड़ा मेहरबान हो रहा है आजकल। उसका बंदोबस्त तो कर दिया है, अब देखना ये बाप बेटी कब तक मीरल से चुप थे। सही खबर मिली है कि कल इन पुलिस वालों को ना करीबी जिले के सेशन कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मुझे लगता है वहां से ना इनको आरजी जमानत मिल जाएगी और फिर ये ना सुबह ही हेडक्वार्टर जाएंगे, वहां जाके बड़ी अदालत में केस लड़ेंगे। जानते हो ना तुम लोगों ने क्या करना है। जी साईं जी। शाबाश। सही एक और खबर भी है और है भी परेशानी की। वो बके पीरल सरकार को इतला मिली है कि कालू माश की है ना वो अपनी पनाहगाह से गायब हो गई है। उसको जहां होना चाहिए था ना पुलिस की गिरफ्तारी के डर से ना वहां से भाग गया और जाके किसी अपने पोशीदा ठिकाने पे छुप गया। बड़ा बेवकूफ आदमी, सो किसने कहा था जगह छोड़ने के लिए। सिंह वो हमारे कारिंदे उसको जगह जगह पे ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन खतरे की बात यह है कि पुलिस भी जगह जगह छापे मार रही है उसको तलाश करने के लिए। सही कुछ भी करके ना हमें पुलिस से पहले कालू माशकी तक पहुंचना होगा। बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा था बाबा सही जी, तो मुख्तारे का काम खत्म होते ही इस कालू माशकी को भी रास्ते से हटाओ, लेकिन नहीं, मेरी बात कौन सुनेगा। देर हो गई है। सही कहीं ये कालू माश की अपने अंजाम के डर की वजह से तो रूपोश नहीं हो गया।
परेशान नहीं हो अरसलान, इस ज़िले का बेहतरीन वकील किया है मैंने तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम सब लोगों की जमानत हो जाएगी। थैंक यू सर, हम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं सर। हम पर लगा इल्ज़ाम मिटाने के लिए हमें कोई भी कानूनी जंग लड़नी पड़ी लड़ेंगे सर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने इस जंग में मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फर्ज था कि एज कमेटी मेंबर मैं अपने चीफ को असिस्ट करूं और कमरे से बाहर एक ट्रू पुलिस ऑफिसर के तौर पे अपने ईमानदार सबॉर्डिनेट की सपोर्ट करूं, और ये सब कुछ मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया। चलो, तुम लोगों का केस लगने वाला है सर। अरसलान को हिम्मत दे सालिमों के खिलाफ लड़ने की, सालिम को निस्तो नाबूद करते, सालिम को निस्तो नाबूद करते। हाँ धनी बख्श, क्या खबर लाया जिला कचहरी की? साढ़े जिंद सारी बहार सरकार, पुलिस वालों की जमानत तो हो गई है, लेकिन अब उनको ना आईजी साहब के सामने हाजिर होना है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, तब तक मुअत्तल रहेंगे वो। फिक्र ना कर धनी बख्श, अब वो हमेशा मुअत्तल ही रहेंगे। बात करा मेरी होम मिनिस्टर से। जी सर। वक्त आ गया है कि पीरल साईं अपनी पार्टी से अपनी कुर्बानियों का सिला तलब करें। सही। अब घंटी बज रही है वहां। सर आगे तो हफ्ते और इतवार की छुट्टी है, मैं पीर के दिन इंशाल्लाह अस्कर के साथ बाकी सिपाहियों को लेकर हेडक्वार्टर्स पहुंच जाऊं। हाँ ठीक है, मगर अभी भी हमने आधी जंग जीती रमजान, मुख्तारे का कातिल अभी तक आजाद घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी तक या सारे हकायक सामने आने तक ये दाग जो हमारे दामन पर लगा है धुल नहीं पाएगा। सर अगर कालू माशी जिंदा है तो हम उसे ढूंढ निकालें, चाहे हमारे बदन पे वर्दी आज नहीं है फिर भी महकमे में बहुत जान निसार है आपके, एक पल चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह मैं आज रात की गाड़ी से शहर निकल जाऊंगा, तुम लोग वक्त पे हेडक्वार्टर पहुंच जाना, ठीक है? मैं कुंदन से कह के दो सिपाही आपके साथ लगवा देता हूँ, या तो हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ रहकर कालू माशकी की सारी मालूम इकट्ठी करो जो हमने आई जी साहब के सामने डिपार्टमेंटल कमेटी में पेश करनी होगी। वैसे भी कुंदन ने एक सिपाही जाने का बंदोबस्त तो किया मेरे साथ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। फिर भी सर एहतियात की जरूरत, हमारा दुश्मन बहुत कमजोर है। पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए होती है रमजान, जिस दिन उसे अपनी हिफाजत की जरूरत पड़ जाए तो समझ लो कि इलाके में जुल्म की हुक्मरानी है। बहरहाल तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना, मैं तब तक एक जरूरी काम निपटा लूं। जी सर। Thank you.
आप आ गए साईं। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं अब आपसे मुलाकात होगी कि नहीं। इतनी बहादुर लड़की डर गई? वो लड़की जो अपने भाई के लिए पूरे जमाने से लड़ गई, कैसे डर गई? आप मेरे लिए जमाने वाले नहीं हैं, आपकी बात और है। आप एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ। अपना ख्याल रखना सुसी, मैं जल्दी आऊंगा। इंतजार करूंगी। अभी यहां एक बहुत लंबी जंग बाकी है सरसी। बात हमारी वर्दियों तक आ पहुंची। मैं हर जंग में आपका साथ दूंगी, जीत आप ही की होगी। अच्छा, इतना यकीन है मेरी फतह पर? इससे भी ज्यादा। आप पर यकीन, मेरा खुद मेरी जात पर यकीन है। कौन है? कौन? 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 कैसा लग रहा है अरसलान साहब? उम्मीद है यहां तक पहुंचने में ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी होगी। ये तो ही हो सकता था मेरा, छुपकर अंधेरे में वार करने वाला, तुझसे ये उम्मीद। क्या करें, मीरल अपने दुश्मनों की उम्मीद पर पूरा उतरता है। तुझे पता है, तुझे यहां देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। इस लम्हे की बड़ी हसरत थी मुझे कि तुझे ऐसा बना हुआ देखो। एक बार मेरे हाथ खोल दे मेरा,
खुदा की कसम तेरी हर हसरत पूरी कर दूंगा, एक बार याद खोल दे बस। भाई वाह, पहला पंछी देखा है जो मीरल की हसरत पूरी करने के लिए इतना बड़बड़ा रहा है। सच बात बताऊं, मुझे अपने सामने ये यही 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 करने वाले दुश्मन वैसे ही नहीं पसंद। तभी तभी तुझे मैंने उस दिन ट्रेन में नहीं मरवाया। लेकिन क्या करें, वो मौत तेरी शान के मुताबिक नहीं होती। तू फिक्र ना कर, तुझे मैं तेरी शान के मुताबिक मौत दूंगा। अपनी ये चाह आज पूरी कर ले, क्योंकि अगर मैं बच गया ना मीरा, तू नहीं बचेगा। सलाम, मैं डर गया, मुझे डर लग रहा है। फिकर ना कर, तुझे तेरा शौक पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा। एक बात तो सुन ले, वो जो तेरी सस्सी है ना, उस पर अभी थोड़ा सा कर्ज बाकी। अगर तूने तू कुछ भी नहीं कर सकता, इस बार तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे पत्ते मीरल के पास हैं, मीरल के। और मीरल अपनी बाजी खूब खेलना चढ़ गए। बस थोड़ा सा इंतजार कर, थोड़ा सा। सुबह सवेरे सौदा सर लेने गया था, अब तो शाम सर पे अभी तक नहीं लौटा। मैं तो हर तरफ देख के दिए, मास्टर कमाल दा तो कोई पता नहीं। लेकिन परचून वाला कह रहा था सुबह सवेरे मास्टर जी को बड़ी हवेली के कामे के साथ काले टीले पे जाते हुए देखा। काले टीले की तरफ? हाँ पापा, क्या काम है? मेरी गाल तो सुन, किधर मेरी पई, मेरी भी गाल तो सुन। सस्सी धी मेरी गाल तो सुन, मेरी धी सस्सी, मेरी धी सस्सी गाल तो सुन। अब्बा 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 अब्बा, किसको ढूंढ रही है? सस्सी।
मट